अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हाय फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही मजेदार और यूजफुल वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं कि आधार कार्ड का परफेक्ट साइज क्या होता है और उसे एटीएम कार्ड साइज में कैसे प्रिंट किया जाता है और उसका फॉर्मेट कैसे तैयार किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। देखिए, यह कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट है, देखिए, और ये दोनों में है। इसे आपको इस तरह रख देना है और इसे कैसे बनाना है इसे अभी बताएंगे। और एक बात, जब यह इसका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इस लाइन को जो देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, इसे आपको हटा देना है। तो इसे सेट करने के लिए सिर्फ रखें ताकि गड़बड़ ना हो, तो इस तरह रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ से इस लेयर को हटा देना है, एक किया और टू सेकेंड वाला को हटा देना। अब यह परफेक्ट साइज में एटीएम साइज में प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड। अब इसे फोल्ड कर देना है यहाँ से बीचों बीच जो गैपिंग दिखा, और इसे प्रिंट कर देना है। तो इस फॉर्मेट को कैसे तैयार किया जाता है इसे आज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड, तभी आपको समझ में आएगा। और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, इससे आप अगर बनाना इसे आप सीख जाते हैं तो किसी का भी आधार कार्ड को 2 मिनट में प्रिंट करके कंप्लीट करके दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हमको फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, तो आप फोटोशॉप को ओपन कर लीजिएगा। देखिए मेरा नया वर्जन है, इसे हम नया वर्जन में बता रहे हैं। नया वर्जन में आज तक कोई नहीं बताया है और ऐसा वीडियो किसी का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद सबसे पहले आपको न्यू फाइल ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका साइज जो होगा A4 साइज होगा। आपको यहाँ इंटरनेशनल पेज को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपका नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ इंचेस में जाके इसका साइज को कर दीजिएगा 8.268 और 11.693। ठीक है फ्रेंड, और ओके दबा दीजिएगा। अब आपको फिर एक न्यू फाइल ले लेनी है। ठीक है फ्रेंड, चलिए एक और न्यू फाइल ले लेते हैं। इसमें आपको इंचेस को सिलेक्ट कर लेना है और इसका साइज को कर देना है 7.115 और हाइट को कर देंगे इसका 2.2 और रेगुलेशन को 300 रहने देना है। ठीक है, और इसे ओके पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको कंट्रोल प्लस ए दबाकर इसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, और एडिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टॉक पे जाना है और कलर को ब्लैक ही रहने देना। ठीक है फ्रेंड, और ओके दबा देना है। और फिर कंट्रोल प्लस आपको डी से डी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है फ्रेंड, तो आज कर्सर को ले लेना है। इसके बाद इसे वहाँ लिख के पहले वाले पेज पे रख देना। ठीक है फ्रेंड, अब इसे हम कंट्रोल प्लस दबा के जूम कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा ओके, कुछ इस तरह से हो गया। अब हमें फिर से एक न्यू फाइल लेनी है। ठीक है फ्रेंड, जो इसका हाइट विथ और हाइट होगा 3.5 इंच और हाइट होगा 2.2 इंच। ठीक है फ्रेंड, 3.5 विथ और हाइट 2.2 रहने देंगे। ठीक है फ्रेंड, और ओके पे क्लिक करना है और आपको कंट्रोल प्लस ए दबाकर इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एडिट पे जाना है। इसके बाद स्टॉक पे जाएंगे और ओके कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और कंट्रोल प्लस डी दबाकर इसे डी सेलेक्ट कर लेना है और इसे पहले वाले पेज पे लेके
गाना है और कुछ इस तरह से रख देना है, थोड़ा सा और ये हो गया। अब आपको अल्ट दबा कर इसे एक और कॉपी कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ इस तरह से सेट हो गया। अब आपको एक और न्यू फाइल लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका साइज है 3.103 और इसका हाइट होगा 2.017 और इसका रेगुलेशन को 380 रहने देना, ठीक है। और ओके दबा देना है आपको, फिर इसे कंट्रोल प्लस ए दबा देना है। इसके बाद एडिट पे जाना है, स्टॉप पे जाएंगे, उसके बाद कलर को ब्लैक की रहने देना है, उसके बाद ओके दबा देना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस डी दबाकर इसे डी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसे फर्स्ट पेज पर ले जाकर इस तरह रख देना है। देखिए यह ठीक बीचों बीच है। अब इसे हम ऑल्ट दबा कर कॉपी कर लेंगे, ठीक है भैया। ये देखिए हमारा फॉरवर्ड वन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम सेकेंड थर्ड को क्लोज कर देना है। क्लोज कर लिए। अब हम आधार कार्ड को जो आप डाउनलोड किए हैं उसे ओपन कर लेना है। चलिए हम आधार कार्ड अपना ले लेते हैं डाउनलोड किया हुआ। देखिए ये मेरा आधार कार्ड है, इसे हम फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे और इसका पासवर्ड डाल देंगे। चलिए फ्रेंड्स इसे पासवर्ड डाल देते हैं। ओपन कर लेंगे और इसे ओके दबा देंगे, ठीक है। अब इसे हम कंट्रोल पर जूम प्लस दबा कर जूम कर लेंगे और देखिए सेलेक्ट कर लेना है इस टूल को। इसके बाद को इस जहाँ से इसे हम इतना ले लेंगे और इसे उठा कर यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए हमारा आधार कार्ड आ गया। अब इसे हम सेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये सेट हो गया है और इसे राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इसका आउटलाइन जो यहाँ पर है उसे हम डिसलेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स काम हो जाने के बाद। तो पहले इसे हम रख लेते हैं। अब इसे सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑर्डर से ले जाना है और इस तरह से छोड़ देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसे सेट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। और राइट पे क्लिक कर देना है। देखिए ये साइज सेट हो गया है। अब इसे हम लेयर को मिटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हट गया।
अब ये परफेक्ट साइज में हो गया। अब इसे हम प्रिंट देने के लिए तैयार हैं, तो इसे आप कंट्रोल प्लस पी दबाकर प्रिंट दे सकते हैं। देखिए ये परफेक्ट साइज में आधार कार्ड प्रिंट ले लेगा। आप प्रिंट दे दीजिए और इसे बीचों बीच फिर फॉल्ट कर लेना फ्रेंड्स आपको, उसके बाद इसे एटीएम कार्ड साइज में प्रिंट कर देना है। देखिए ये परफेक्ट साइज है और बहुत ही बढ़िया, इसमें आपको कोई गड़बड़ी नहीं और कोई मेहनत नहीं लगेगी। सिर्फ एक बार फॉर्मेट तैयार हो जाने के बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा फ्रेंड। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। I'm sorry.